आई ऑल दिस इज एंजली एंड वेलकम टू माई चैनल सो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड इन एस क्यू एल दैट इज ग्रुप बाय इसको आप कमांड की जगह क्लॉज भी कहते हो क्योंकि ये अकेली इंडिपेंडेंट कमांड नहीं है सो सिलेक्ट कमांड होती है अपडेट कमांड होती है लेकिन जो ग्रुप बाय है दैट हैज टू बी यूज विद सेलेक्ट इसका अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है दैट्स वाई वी कॉल इट अ क्लॉज ग्रुप बाय क्लॉज का पर्पस क्या है क्यों यूज करते हैं और इसी के साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि है कि वेयर कीवर्ड और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है कहाँ यूज करते हैं उसको बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्रुप बाय क्या है सो so, चलिए शुरू करते हैं समझते हैं कि ग्रुप बाय एग्जैक्टली क्या है आज मैं आपको सीधा पहले SQL एल में लेके जाऊंगी टू मेक अंडरस्टैंड कि भाई हमें इसकी जरूरत क्यों है वाई डू वी नीड इट ठीक है सो अगर हम यहाँ पर किसी भी डेटा बेस को यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जिसपे हम पिछली क्लास में काम कर रहे थे दैट वॉज शॉप और अगर आप यहां से डेटा देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट राइट सो ये डेटा है अब हमने किया था लास्ट क्लास में कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं

बार बार कमांड तो नहीं लिखेंगे ना मैं फिर से लिखूंगी जहाँ पे लिखूंगी कैटेगरी इज इक्वल टू ए टेबल अभी तो अभी छोटा टेबल है सिर्फ तीन कैटेगरीज हैं हो सकता है आपकी शॉप बड़ी हो आपके पास बीसों कैटेगरी हो अब ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कैटेगरीज हैं तो मैं एक एक करके थोड़ी सब का काउंट देखती रहूंगी कितना अच्छा हो कि अगर कोई ऐसी कमांड हो जिसको मैं लिखूँ और उससे वो मुझे सारी डिफरेंट कैटेगरीज भी दिखा दे और उसके साथ साथ वो मुझे उनका काउंट भी दिखा दे देखो कैटेगरी देखने के लिए तो आपके पास ऑप्शन है अगर आप सिर्फ लिखते हो सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल दैट इज प्रोडक्ट तो आपके पास क्या आता है सारी कैटेगरीज के नाम लेकिन रिपीटेड आ रही है तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है जिससे रिपीट ना हो राइट इन कमेंट्स आई एम आस्किंग यू टू राइट इन कमेंट आई वॉन्ट सी अटेंटिव यू आर सो देखते हैं कौन बिल्कुल जोश के साथ पढ़ रहा है और कौन ऐसे ही बेड पे लेट के रजाई में घुस के पढ़ रहा है

ये ये थोड़ी बता रहा है कि हर कैटेगरी में कितने एलिमेंट्स हैं तो मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए कि मैं ये बता सकूं कि ठीक है ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं लेकिन हर कैटेगरी का काउंट कितना है तो जब कभी ऐसा कॉलम हो जिसके लिए आपके पास मल्टीपल रोज हो सकती हैं एंड यू वांट टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑपरेशन ऑन दैट तो वहां पर यूज होता है ग्रुप बाय तो हमें पता चल गया कि रोज ग्रुप की जा सकती है किस बेसिस पे कैटेगरी बेसिस पे तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा, वॉट डू यू काउंट, आप काउंट स्टार भी लिख सकते हो काउंट पी आई डी भी लिख सकते हो अप टू यू फ्रॉम प्रोडक्ट, अब हम वेयर नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे ग्रुप बाय सो ग्रुप बाय वॉट ग्रुप बाय कैटेगरी सो ग्रुप बाय कैटेगरी लिखते ही आपके पास ऐसे आ जाएगा कि नल कैटेगरी वाला कितना है एक ईटेबल वाले तीन स्टेशनरी वाले तीन टॉय वाला एक तो ये काम कैसे करता है ये पहले बनाता है ग्रुप्स तो मैं आपको ये समझाती हूँ हाउ डज इट वर्क सो इफ आई डेटा ठीक है ये है हमारे पास और इसको हम शो करते हैं देखो अब जब आपने यहां पर लिखा ग्रुप बाय कैटेगरी तो क्या होगा जो सेम वैल्यूज हैं, ये दो और ये एक तो ये जो सेम वैल्यूज हैं, इनकी एक कैटेगरी बन जाएगी ठीक है सो दे विल बी वन कैटेगरी उसके बाद ईटेबल ये एक कैटेगरी बन गई जहां जहां पे भी आया सो so ये एक कैटेगरी बन गई तो सबसे पहले एक तरह से डिस्टिंग इंटरनली काम करता है वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज निकाल लेता है कि भाई कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास पॉसिबल हैं सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास आ गई फिर उसके बाद जो भी ग्रुप ऑपरेशन आपने यहाँ पे दिया होगा तो यहां पर क्या दिया हुआ है काउंट पी आई डी अगर मैंने यहाँ पे मैक्स मिन कुछ भी यूज किया होता तो वो अकॉर्डिंगली काम कर सकता था तो इतना आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ग्रुप बाई लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें किसी ना किसी aggregate function को, किसी ना को देखना हो। एक तो आप कह दोगे स्कूल में से हाईएस्ट मार्क्स बताओ लेकिन अगर मैं कहती हूँ सब्जेक्ट सो so, किसी ना किसी कॉलम के अकॉर्डिंगली आपको उसको ग्रुप करना होगा तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेरी में लिखा होगा लाइक कैटेगरी वाइज या फिर फॉर ईच कैटेगरी कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फॉर ईच कैटेगरी है ना कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फॉर ईच कैटेगरी कैसे करेंगे अगर मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज कॉस्ट फॉर ईच कैटेगरी सो आई विल बी राइटिंग सिलेक्ट कैटेगरी क्या करना है एवरेज निकालना है किसका कॉस्ट का ठीक है फ्रॉम प्रोडक्ट और ग्रुप किससे करेंगे ग्रुप किससे करेंगे कैटेगरी से लाइक दिस सो आपके पास नल की कॉस्ट एक ही था तो 250 आएगी ईटेबल की एवरेज कॉस्ट 105 सौ है स्टेशनरी की एवरेज कॉस्ट 76 है तो वो हर कैटेगरी में अपनी वैल्यूज को ऐड कर लेगा जैसे कि आपके पास स्टेशनरी की थी 20, 210 सो दैट कम्स आउट टू बी टू थर्टी टू थर्टी अपॉन थ्री सो टू थर्टी अपॉन थ्री इज सेवेंटी है ना और ऐसे ही ईटेबल की जो है उसको थ्री से डिवाइड किया क्योंकि उसमें भी तीन है तो वो वन हंड्रेड फाइव आ रही है सो दैट्स हाउ इट इज कैल्कुलेटिंग आप क्वान्टिटी के ऊपर निकाल सकते हो टोटल निकाल सकते हो मैक्सिमम निकाल सकते हो मिनिमम निकाल सकते हो तो इसमें आपको ये नहीं है एक टाइम पे एक ही निकाल सकते हो आप एक टाइम पे मल्टीपल भी लिख सकते हो जैसे आप मैक्सिमम कॉस्ट भी देखना चाहते हो और आप मिनिम कॉस्ट भी देखना चाहते हो सो यू प्रेस एंटर एंड सो इट इज इन स्टेशनरी एक से, से बाकी एक है तो भाई वही मिनिमम है, है, है ना सो दाउ ग्रुप बाये तो ग्रुप बाय तो का पर्पज होता है समझ आया एक और टेबल यूज करके दिखा देते हैं आपको चलिए तो हम यूज कर लेते हैं स्कूल

सो so, तीन बच्चे कक्षा ग्यारहवीं के हैं हमारे पास यहाँ पे और सात बच्चे कक्षा बारहवीं के हैं सो इट इज शोइंग द काउंट फॉर बोथ द थिंग्स अगर आप स्ट्रीम वाइज देखना चाहते तो आपको क्या करना था यहाँ पर स्ट्रीम कर दो ठीक है अब ध्यान रखना जो चीज पे ग्रुप किया होता है ना उसी को ही सामने फेच करते हैं मैं ऐसे लिख दूंगी तो एरर आ जाएगा कि ग्रुप तो तुम स्ट्रीम पे कर रहे हो दिखा तुम क्लास रहे हो तो दैट्स नॉट पॉसिबल सो जिस चीज पे ग्रुप होगा उसी को ही शो कर सकते हैं ऐसा कर सकते हो कि कुछ भी शो ना करो ये पॉसिबल है कि आप कुछ भी शो ना करो तो वो काउंट काउंट दिखा देगा पर फिर वो उतना मीनिंगफुल नहीं होगा पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है तो पता ही नहीं चल रहा क्या चीज है तो इसलिए क्या करेंगे वी जस्ट शो स्ट्रीम विद इट सो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएगा नहीं रिजल्ट आएगा पर उतना मीनिंगफुल नहीं होगा है ना अब आपके पास मीनिंगफुल तरीके से आ रहा है समझ रहे हो ना सो दैट इज हाउ वी कैन ग्रुप ऑन एनी थिंग वी वॉन्ट जो भी हमें वैल्यू देखनी है अकॉर्डिंगली हम ग्रुप कर सकते हैं अब आती है बारी इसमें देने की। अब मुझे जैसे हाँ पे कंडीशन देनी है कि जो नल वाला है वो ना आए तो आप लिख सकते हो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इज नॉट नल सो दैट्स फाइन कंप्लीटली फाइन आ गया ये, है ना ये तो चल गया अब मैं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ वही वाली स्ट्रीम्स दिखाओ जिसमें कम से कम दो स्टूडेंट्स तो हों है ना

कि वेयर के साथ जो कंडीशन आती है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि जब मैं ये आपको कहूंगी कि वेयर के साथ ग्रुप फंक्शन यूज नहीं होता उसका मतलब है कि वेयर के साथ जो कंडीशन आती है इसमें ग्रुप फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता सिलेक्ट के साथ होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है वेयर के साथ जो लिखेंगे उसमें आपके पास ग्रुप फंक्शन नहीं आ सकता यहाँ नहीं आ सकता तो भाई कंडीशन तो चेक करनी है ना अब कैसे दे अगर वेयर के साथ नहीं आता ये तो एरर दे रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसक्यूएल में आपको दिया गया हैविंग तो हम ये कंडीशन देंगे लेकिन ये कंडीशन हम वेयर के साथ नहीं दे सकते सो वी विल बी राइटिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम और इसके आगे आपको एक की लिखना है हैविंग और सेम कंडीशन जो मैंने पहले लिखी थी आई एल बी राइटिंग द सेम कंडीशन ओवर दैट्स काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू स्टारे and and press enter and here we have the result कि दो या दो से ज्यादा उसने शो नहीं किया तो बस इतनी सी चीज है बट इट इज सो बेसिक कि अगर आपके पास एक नॉर्मल कंडीशन है तो आप वेयर के साथ दो और अगर आपके पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पांचों में से कोई भी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है चाहे वो मिन है मैक्स है सम है एवरेज है काउंट है

जो रिजल्ट में रोज आएंगी फिर वो उनके बनाएगा ग्रुप्स ठीक है जबकि आपके पास हैविंग कब काम करता है जब ग्रुप्स बन जाते हैं ग्रुप्स क्रिएट हो गए अब ग्रुप्स बन गए उस ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन आप चेक करना चाहते हो तो वो हम हैविंग में देते हैं सो वेयर इज यूज टू चेक कंडीशन फॉर इंडिविजुअल रोज वेयर एज हैविंग इज यूज टू चेक कंडीशन ऑन ग्रुप्स इसका प्रॉपर थेटिकल आंसर जो आपको लिखना होता है दो कॉलम्स बनाकर वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है इंस्टाग्राम पे भी एज वेल एज आई है चैनलो तो वो आप वहां से ले सकते हैं आई ट्राई टू गिव द लिंक और स्क्रीन शॉट अदरवाइज इंस्टा पे भी आपको वो मिल जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे आज तो आपको हमने ट्रेलर दिया है इसका कि ग्रुप बाय क्या होता है वेयर और हैविंग की जरूरत कहाँ पड़ती है और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे हम इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ कंसेप्ट सुना है पर ये अभी बैठा नहीं है ये बैठेगा तब जब आप इसके कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिलहाल जस्ट ट्राई योर हैंड ऑन दिस वट एवर आईव टोल्ड आप एक बार कोशिश करके देखिए रन करके देखिए देखिए आपको क्या समझ आता है एंड आई बी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन ऑन ग्रुप बाय एंड यू विल डिसाइड कि भाई वेयर किधर लगेगा हैविंग किधर लगेगा सो so वो क्वेश्चन हम जल्द ही करेंगे तब तक आप इसको दोबारा देखिए अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है ट्राई टू डू इट योर सेल्फ एंड या बाकी लाइव सेशन होगा बहुत ही जल्द जिसमें आपके डाउट्स लिए जाएंगे तो आप अपने डाउट्स इकट्ठे करते रहो और आप लाइव सेशन में आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी इन माई लाइव से प्लस एजुकेटेड ऑन अन अकेडमी यहाँ पर फ्री क्लासेज भी होती हैं पेड क्लासेस भी होती हैं तो आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इन माई फ्री क्लासेज एंड आस्क योर डाउट्स इन द लाइव सेशन हेयर ऑल्सो राइट सो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है तो आप फॉलो कर लीजिए सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर द चैनल विद मोस्ट ऑफ़ योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब इट बिकॉज इट्सोल्यूटली फ्री यू जस्ट द सब्सक्राइब बटन To motivate the educator to upload more and more content for you. So that is it for this video. See you soon. Till then, take very good care of yourself.